Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने किचन में आप लोगों के लिए बनाया है कढ़ी पकोड़ा विथ ज़ीरा राइस। तो इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी तो चलिए मैं अब आपके साथ में शेयर करती हूँ। पहले तो हमें लगेगा 200 ग्राम दही, जो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, और ये एक कप मैंने लिया है बेसन। यहाँ पर 10 से 12 कलियाँ हैं लहसुन की, हरी मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और नमक। हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और नमक। अभी हमें मिक्सर का जार लेना है, उसके अंदर हम दही को डालेंगे, बेसन डालेंगे, और मैंने जितनी भी ये चीज़ें आपको बताई है रॉ मटेरियल्स वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद में हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है। ये देखिए ऐसे बन जाएगा। ये हम इसलिए पीसते ताकि सारा मिक्सचर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से हमें सारे मिक्सचर को स्ट्रेन करना है ताकि इसके अंदर के जो भी मसाले, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, उन्हें हमें उसको छानते हुए सिर्फ उसका जो एक्सट्रैक्ट पानी होगा वो लेना है दही का। अब हम धीरे धीरे उसके अंदर पानी डालते जाएंगे। देखिए जितनी दही की क्वांटिटी मैंने ली है उसके हिसाब से इसमें 5 से 6 लोग आसानी से खा सकते हैं। जब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे तो ये जो है सामान जो बच गया है इसे फेंकना नहीं है आप लोगों को, इसको आपको संभाल कर रखना है, इसका हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये जो कढ़ाई है उसको गैस पे चढ़ाना है, और जो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है दही और बेसन का उसको इसमें हमें डाल देना है। मीडियम आंच पे आपको ये इसको गरम करना है, हीट अप करना है। आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, मीडियम गाढ़ी होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर वो कढ़ी नहीं लगेगी, वो कुछ बेसन जैसा फ्लेवर आने लगेगा। अब हमें इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब आप इसको ढकोगे तो ये जो कर्डल होना शुरू हो जाएगा, अंदर दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कर्डल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कढ़ी फट गई है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके अंदर स्पून चलाएंगे तो वो बेसिकली देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होने लगेगी तो वो गाढ़ी होती चली जाएगी। अब उसके टाइम पे आपको इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया डालने के बाद में हमें इसे अच्छे थोड़ा सा स्टर करना है और फिर इसे फिर से ढककर हमें 5 से 10 मिनट तक के इसे पकने देना है स्लो आंच पर। अब तब तक के हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। एक बाउल में हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, धनिया पत्ती मैंने फाइनली चॉप कर ली है वो डालना है, ये 1 से 2 हरी मिर्ची जिनको मैंने एकदम थिन स्लाइस में काट लिया है, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालनी है आपको, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालना है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालना है, और ये एक पेस्ट है जो मैंने बनाया है मिर्ची, ज़ीरा और लहसुन का, ये आपको 1 स्पून डालना है। ये सबको डालने के बाद में हमें बेसन डालना है। बेसन के मैंने 3 फुल टेबल स्पून लिया है बेसन का, ये इसमें डाल दिया। अब नमक अपने स्वाद अनुसार, मुझे जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही डाला, आपको जितना टेस्ट के हिसाब से लगे आप अपने हिसाब से डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बनाना है, ज़्यादा रनिंग नहीं बनाना है क्योंकि जब आप पकोड़े तलोगे तो अगर वो बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो अच्छे पकोड़े नहीं बनेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से आपको ऑयल को पहले पैन में गर्म करना है और फिर धीरे धीरे एक एक करके स्पून से उसके अंदर पकोड़ों को डालना है। जब आपने सारे डाल दिया फास्ट गैस पे, आप इसको मीडियम से फास्ट गैस, ज़्यादा फास्ट भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम रखना है, और उसी फ्लेम पे आपको उसको फ्राई करते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना है। जब देखिए जैसे इसका कलर चेंज होता गया, ये जैसे गोल्डन कलर के हो गए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं आप, विदाउट कढ़ी के भी बड़े टेस्टी बनते हैं। अब आप ऐसे इसको जो साइड में हमने स्लो पे कढ़ी पकने के लिए छोड़ रखी थी उसके अंदर आपको
ये जितने पकोड़े हैं जो भी आप तलोगे वो उसके अंदर डालना है। अब वो जो ऑयल में आपने पकोड़े फ्राई किए थे उसमें से थोड़ा सा ऑयल बाहर निकाल देना और बस 2 से 3 स्पून वाला ऑयल उसमें छोड़ देना। एक मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप ऑनियन उसके अंदर डालनी है, बारीक कटी हुई, और ये वही है जिसमें लहसुन ज़ीरा जो हमने दही के साथ में पीसा था, जो हमने छन्नी से छान लिया था, वो सारा इसके अंदर डाल देना है प्याज के साथ में। अब इसको फास्ट गैस पे इसको फ्राई करते रहना है और इसके अंदर एक सूखी मिर्ची को 2 हिस्से में तोड़कर इसके अंदर डाल देना है। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, इसको भी तब तक के फ्राई करना है आपको जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन कलर का ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि ये जले ना। देखिए अभी एकदम इसका परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब जो हमारी कढ़ी स्लो आँच पे पक रही थी, ये तड़के को हमें उसके ऊपर डाल देना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पर हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। हमारी कढ़ी एकदम रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसको ज़ीरा राइस के साथ में सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।